जय हिंद मित्रों, रणबीर टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सरलीकरण का एक सवाल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे प्रश्न कक्षा पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखिए कैसे हम इनको सरल करें। तो देखिए इसको हम पहले सरल करेंगे, यहाँ से ये रूप हम बदलेंगे। देखिए 9x² - 16y², तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, 3x² - 4y² क्योंकि ये 3 * 9x² बनेगा और ये 4 * 16y² बनेगा। इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और बटा आपका देखिए 3x - 4y है ही, फिर भाग है तो भाग लगा लेते हैं। फिर देखिए 3x + 4y यहाँ पे है ही, ऑलरेडी है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी 3x - 4y ये तो हो गया आपका। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ से ये आपका फार्मूला बना a² - b² का, तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। कैसे, यानी 3x - 4y एक में और दूसरे में 3x + 4y, इस टाइप से लिख सकते हैं। a² - b² का फार्मूला है, तो एक में होता है a + b और एक में होता है a - b। यहाँ देखिए 3x - 4y ये है ही, तो देखिए माइनस वाला हिस्सा तो ये कट जाएगा। आगे देखिए यहाँ भाग है तो भाग लगाते हैं, 3x + 4y इधर है ही, और ये भी लिख लेते हैं 3x - 4y। अब क्या करना है देखिए, बहुत ही सिंपल ढंग से हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए देखते जाइए अभी कितना आसानी से इसका आंसर आता है। अब ये तो हो गया 3x + 4y है ही, यहाँ बटा कुछ नहीं बचा तो एक लिख सकते हैं, भाग का निशान है। भाग को हम किस में बदलेंगे, गुणा में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, गुणा, क्योंकि भाग जो होता है गुणा में बदल जाता है। और इसको गिनती पलट देंगे तो 3x - 4y और नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, गिनती पलट जाएगी क्योंकि हमने इसको भाग को क्या किया, गुणा में बदला है। तो ये हो जाएगा 3x + 4y। अब देखिए ये हिस्सा ये प्लस का है और ये हिस्सा आपका प्लस का है, तो कट जाएगा, तो आपका कितना बचा, यही बचा 3x - 4y, और यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे ही अच्छे सवाल पाने के लिए, सरल सवाल पाने के लिए, मैथ के बेसिक सवाल पाने के लिए, जो जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से, उनको पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें। और ये सवाल जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ अच्छे सवाल लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।